इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से दिल्ली की रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर सोमवार को शहर की भारतीय किसान संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष छगनलाल जाट ने बताया कि इस रैली में देश भर के विभिन्न जिलों से किसान दिल्ली में हुंकार भरेंगे। इस दौरान उदयपुर जिले में 25 बसें दिल्ली पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ स्थापना काल से ही आंदोलन कर रहा है। सरकार के द्वारा इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास किसान की दुर्दशा के मुकाबले नाकाफी है, इसलिए अब देश भर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता ग्राम जनसंपर्क करते हुए 19 दिसंबर को दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान गर्जना रैली में शामिल होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। मंत्री केशव पोरवाल ने बताया कि भारतीय किसान संघ फसलों के लाभकारी मूल्य की बात करता है, लेकिन MSP के खिलाफ नहीं है। भारतीय किसान संघ के अनुसार MSP फसल की लाभकारी मूल्य नहीं है, लाभकारी मूल्य मिले बिना किसान का भला नहीं हो सकता। इस दौरान चित्तौड़ प्रांत की मंत्री परमानंद, जिला अध्यक्ष छगनलाल जाट, जिला मंत्री केशव पोरवाल, संभाग युवा प्रमुख प्रेम दायमा ने पोस्टर का विमोचन भी किया। भारतीय किसान संघ उदयपुर जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ की तरफ से गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो 19 दिसंबर के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री से वार्ता करेगी और उसी सिलसिले में हमारे उदयपुर से 1600 व्यक्ति यहां से जाएंगे, जिसमें से 200 महिलाएं हैं और 1400 पुरुष जाएंगे और हर तहसील से एक बस जाएगी। हमारे 26 तहसीलें हैं तो 26 तहसीलों में से 26 ही बसें जाएगी और वहाँ जा कर के प्रधानमंत्री से ज्ञापन दिया जाएगा। किन चीज़ों को लेकर आप लोग हम जो रैली निकालने जा रहे हैं उसके अंदर किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, GST हमारे जो किसानों के जो एपरेटस हैं खेती के संबंधित होते हैं उनके ऊपर से GST हटाई जाए, किसानों को KCC के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको मुक्त किया जाए, नदियां जोड़ी जाए, नदियों से जल्दी जोड़ करके हर किसान के खेत को पानी दिया जाए और ब्याज मुक्त KCC मिले किसानों को, ये हमारी मुख्य मांगे रहेगी। और बिजली, यूरिया खाद सभी साथ में हमारे को मिले, ये हमारी मुख्य मांगे रहेगी। ठीक है।